उसके बाद माँ बहने जो रोजा रहती है उनको पानी नहीं मिलता, वो उनके घरों में पानी नहीं मिलती, बाहर से रोजे में पानी लाना पड़ता है। हम तो जाते पानी डेली तो यही करते, पानी डेली का विषय रहता तमाम ही प्रश्न, ये इतना गंभीर प्रश्न क्या बोला, यदि इतना गंभीर प्रश्न हो गए साहब क्यों होगा। मालेगांव शहर तकरीबन 10 लाख आबादी मुकम्मल हो चुकी है और 10 लाख आबादी में 80% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मैं इसके लिए शब्द वापर रहे मुस्लिम समाज कि ये पवित्र महीना रमजान का चल रहा है, पाक महीना रमजान महीने का चल रहा है और 6 दिन हो गया पीने का पानी पूरे शहर की आवाम को नहीं मिल रहा है, डिस्टर्ब हो चुका है, सप्लाई डिस्टर्ब हो चुका है। हम ये मान सकते हैं कि टेक्निकली कामकाज हो सकता है, पाइपलाइन के अंदर पाइपलाइन लीक हो गई होगी, लेकिन वो मुकम्मल होने भी 3 दिन हो गया, उसके बावजूद भी आज भी सप्लाई नहीं है शहर में। माँ बहनें परेशान हैं, माँ बहनों को रोजा रखकर पानी इधर उधर से लाना पड़ रहा है, वजू के लिए मस्जिद के अंदर पानी नहीं है। आज जुमा था, आज ज्यादा पानी का वापर होता, मां बहने बाजार करने के लिए जुमा के दिन जाती, आज वो इसलिए रुकी है घरों के ऊपर के हमको नल आने वाला है, पानी आएगा, लेकिन ये 6 दिन गुजरने के बाद भी कारपोरेशन नाकाम हो चुकी है, कमिश्नर और उनका स्टाफ वाटर सप्लाई स्टाफ नाकाम हो चुका है, आवाम को पानी नहीं दे रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई सियासी लोग, समाजी लोग या मीडिया के लोग आवाज उठाएंगे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, आवाम की आवाज यहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा रहा है, अफसोस की बात है। लेकिन हम एक सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि शहर की आवाम को उनका जो मुसीबत है, परेशानी है, उनके लिए आवाज़ बन के हमको निकलना पड़ रहा है। हालांकि मेरा भी इरादा था उम्रे के लिए जाने का, लेकिन कोई वजह से मैं नहीं गया, तो खैर मैं आवाम मुझको फ़ोन कर रही है तो मैं मिल गया, असलम भाई मिल गए, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि शहर को पानी मिले उसके लिए यहाँ पे आके बात रखना, और आज हमने बात रखी है, कल तक और इंतज़ार, और न तो उसके बाद ना फिर कोई आचार संहिता देखी जाएगी, ना लैंड ऑर्डर देखा जाएगा, ना पुलिस के दबाव में आएंगे, ना निवडणूक आयुक्त के दबाव में आएंगे, न कमिश्नर के दबाव में आएंगे, न प्रांत के दबाव में आएंगे, और आंदोलन कहीं भी किसी भी वक्त तो हो सकता है, ये डिपार्टमेंट ने नोन लेना।